We followed and we are taking care of the child medical education and total medical treatment. There we faced a lot of suppressed facts. They are not able to treat the girl proper way. And they are not able to provide the infrastructural facility in the hospital. And we are condemning the barbaric attitude of the hospital management. And we are demanding immediate suspension of the all connected doctors and superintendent RMOs who have behaved ill-treating the people in the hospital areas. The doctor was in a drunken condition. We reported to the health minister and the departmental inquiry is going on. They constituted three-man committee, I think so. And the fact will be revealed as soon as possible after taking the action on the drunken doctor who is the in charge for the children's ward. That is the barbaric act and we are condemning that act. Some few words in Hindi. आम आदमी पार्टी आज चारमीनार के पास हुकूमत जो हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज से फेल हो गई है उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है आज यहाँ पर. हुकूमत पूरी तरह से मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए फेल हो गई है. आज आप जाके देखिए हमारे पीछे चारमीनार हॉस्पिटल है वहाँ बद से बदतर हालत है. उस्मानिया हॉस्पिटल बिल्कुल बुरी हालत से गुजर रहा है. गांधी हॉस्पिटल में रोजाना दो चार डेथ डॉक्टर की निग्लिजेंसी से हो रही है. तो हम आज हुकूमत को यह बताना चाह रहे हैं अगर ये निग्लिजेंसी ऐसे ही चलते रहेंगे तो हम पूरा तेलंगाना में बहुत बड़े तौर पर आंदोलन करेंगे. और हुकूमत हम सबसे पहले डिमांड करते हैं नीलोफर हॉस्पिटल के रेप केस में लक्ष्मा रेड्डी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है यहाँ से उनको इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए. और जो तो नीलोफर हॉस्पिटल में बच्चों के ताल्लुक से जो रोजाना नए नए किस्म के रिपोर्ट्स आ रहे हैं लोग जैसा गोद में लेके स्लैन चलाते हुए जा रहे हैं. स्ट्रेचर फैसिलिटी नहीं है ऐसे लैक ऑफ फैसिलिटीज़ नहीं है. मेटर्निटी हॉस्पिटल नयापुल में वहाँ पे भी बहुत बुरी हालत है. बच्चों को बहुत परेशान किया जा रहा है. बच्चा पैदा होने पर 1000 रुपये बच्ची पैदा होने पर 500 रुपये ऐसा लिया जा रहा है. पूरा करप्शन में इन्वॉल्व है. हेल्थ मिनिस्टर को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर करियम श्री रिप्रेजेंटेशन दिए हेल्थ मिनिस्टर का एक्नॉलेजमेंट है हमारे ऑफिस में. कभी भी आप लोग आके लेके जा सकते हैं. और अगर इस तरीके के बोलिए बेगम है मेरा नाम. मैं मीन्स की तेलंगाना चीफ प्रेसिडेंट हूँ. हाल में जो है ना दो तीन दिन पहले वो नीलोफर हॉस्पिटल में 6 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है मीडिया में बड़े स्टोरियाँ हैं हर किसी को मालूम हो चुका है. तो मतलब मीडिया जब तक गई तो क्या मिनिस्टर सीएम जितने भी लोग हैं क्या वाले जब तक पहुंचे नहीं किसी को खबर नहीं. और दूसरी बात हर वो दवाखाना गवर्नमेंट का दवाखाने में मिनिमम फैसिलिटीज नहीं. वहां पर व्हील चेयर स्ट्रक्चर नहीं. बाथरूम सही नहीं. चप्पल पहन के नहीं जाना है. आप लोग पूरा चप्पल पहन के घूमेंगे लोगों को चप्पल नहीं पहना. इन्फेक्शन का पड़े हुए है खून के खून पस पूरा पड़ा हुआ है उस पर चलना और इन्फेक्शन इंसान को नहीं आएगा. नर्सेज को डॉक्टर की जानिब से छोटा सा प्रोटेस्ट है. ये तेलंगाना गवर्नमेंट को ओपनली हम वार्न कर रहे हैं कि अगर इस मुद्दे पर जो नीलोफर हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट कल बुलाकर बोले थे कि मैं रिसेंटली चार्ज लिया हूँ कल रात में लिया हूँ वो वार्ड बॉय हमारे से बगैर कंसल्ट किए एक बच्चे को वहाँ से लेकर वहाँ तक चले गया था. बाईवॉक लेके चले गया था. यू आर एन सुपरिंटेंडेंट सर आपको ये सारी बातें शोभा नहीं देती. इट्स नॉट सूट टू यू सर. आप एक प्रोफेशनली यू आर एन डॉक्टर जिसको हम भगवान मानते हैं भगवान का दूसरा दर्जा देते हैं. आप अगर ऐसे इररेस्पॉन्सिबल बातें करेंगे तो वॉट इट विल बी. अगर आपके पास केसेस है या फिर चेयर्स है बेड्स है सारी चीज़ें हैं तो पेशेंट को प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं. तेलंगाना में कहीं दूर दूर से तेलंगाना के दूर के डिस्ट्रिक्टों में जहाँ पर इलाज नहीं हो पाता है वहाँ के मरीज यहाँ पर आके इलाज करवाते हैं. उनके लिए रहने को शटर नहीं है शेल्टर नहीं है वॉशरूम्स नहीं है. स्वच्छ भारत स्वच्छ तेलंगाना के ऊपर बहुत सारा वर्कआउट किया हुआ सर जी.
कानपुर में जो 6 साल की बच्ची का रेप हुआ था, आज आम आदमी पार्टी ने उसका प्रोटेस्ट किया है और लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। चारमीनार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जस्टिस, तेलंगाना के अंदर बहुत सारे एरिया हैं, हमारे आइलैंड भाई है, हम सारे तेलंगाना से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, हैदराबाद चारमीनार।